हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज जनरल स्टडी पेपर 3 MPPCS मेंस के स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ए टू जेड पूरी रणनीति के बारे में जानेंगे, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम। आगे चलने से पहले मैं जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमारे चैनल पर ट्रस्ट दिखाया, तो इसी ट्रस्ट को कायम रखते हुए हम आप लोगों को मेंस की पूरी तैयारी करवाएंगे, PDF प्रोवाइड करवाएंगे, अच्छे से अच्छे लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आपको चीज़ें टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सकें। और बुक्स और रिसोर्सेज जहां से आप लोग ये लेक्चर देख सकते हैं, जहां से आप ये टॉपिक कवर कर सकते हैं, पेपर्स कवर कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आशा आप लोगों ने मेंस की तैयारी तो स्टार्ट कर ही दी होगी। आप लोगों के पास जो बुक्स हैं इस समय प्रोवाइड हैं, वो आप लोग बुक्स में उस टॉपिक को देखिए और तैयार कीजिए टॉपिक। जो टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है, जो खोजने की ज़रूरत है आप लोगों को, वो हमें कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे और नोट्स भी देंगे। शॉर्ट नोट्स, सिनॉप्सिस जो हो सकता है हम आपको देने की कोशिश करेंगे। आंसर राइटिंग के बारे में भी हम बात करेंगे, उसकी भी प्लानिंग करेंगे। पहले हम ये टॉपिक देख लेते हैं कि कौन सा टॉपिक हमें कहाँ से मिल सकता है, हम कैसे तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जब थोड़ा बहुत टॉपिक हम कवर कर लेंगे तो आंसर राइटिंग के लिए मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगी और हम क्वेश्चंस चेक भी करेंगे इस पर, और उसके बारे में आप लोगों को फीडबैक भी देंगे। कोशिश करूंगी कि पर्सनली प्रोवाइड करा पाऊँ, लेकिन अगर ज़्यादा ही क्वेरीज होंगी तो मैं आपको एक वीडियो में आदर्श जो आंसर राइटिंग होती है, जो आइडियल आंसर राइटिंग हो सकती है मेंस के लिए, वो मैं आपको प्रोवाइड वो भी कराएंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए मेंस में क्या क्या नई नई वीडियोस मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग जनरल स्टडी पेपर 3 के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या सिलेबस है और हम इसे कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो भारत में पहला टॉपिक है इसमें आर्थिक नियोजन उद्देश्य एवं उपलब्धियां नीति आयोग की भूमिका। ये आपको डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, NCERT की 11th क्लास की बुक है, इसमें एज इट इज़ मिल जाएगा। और नीति आयोग की भूमिका के लिए आप इंडियन पॉलिटी, भारत की राजव्यवस्था, लक्ष्मीकांत देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बेसिक मिल जाएगा कि नीति आयोग कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, कौन कौन इसके संचालक होते हैं, तो ये लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा आपको। बाकी नीति आयोग की जो वेबसाइट है मिनिस्ट्री की, नीति आयोग की, उसमें आप लोग जो लेटेस्ट नीति आयोग में कार्य हो रहे हैं उसके बारे में जान सकते हैं, ताकि आंसर राइटिंग में बहुत ही इसमें आपको मदद मिलेगी। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह में से भी आप उद्देश्य उपलब्धियाँ जो आर्थिक नियोजन की है वो देख सकते हैं। नीति आयोग के लिए अलग बुक है और आर्थिक नियोजन के लिए इसमें रमेश सिंह की बुक अच्छी है, काफ़ी मोटी बुक है, पूरी नहीं पढ़ी जा सकती बहुत जल्दी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। तो आपके काम का जो जो टॉपिक है वो रमेश सिंह में से लीजिए और अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए। सेकंड इसमें है सरकार के बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणाली, मैक्रो इकोनॉमिक की बुक है, समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, NCERT की 12th क्लास की बुक है, इसमें सरकार के बजट के अवयव के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसमें से जो काम का है आप उसे अपने एक नोटबुक में लिख लीजिएगा। वित्तीय प्रणाली और बजट के बारे में आप इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ सकते हैं, जो बजट के एक दिन पहले आता है, ये 2018 का आपको पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, अगर पेंस का पेपर थोड़ा सा ज़्यादा लेट होता है तो 2019 का भी आपको पढ़ना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय एवं समावेशिक समृद्धि, ये आपको डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, NCERT की 11th क्लास की बुक में, जैसे गरीबी के मुद्दे काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा ये टॉपिक। और बाकी जो टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह में से मिल जाएगा। जो टॉपिक दिया हुआ है सिर्फ उतना ही पढ़ना, उससे अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर गरीबी के मुद्दे पूछे हैं तो गरीबी क्या है, इनकी विशेषताएँ क्या हैं, भारत में कितनी परसेंटेज है, और जो भी इंडिया से रिलेटेड है वो करना, इससे फालतू और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बेरोजगारी, तो पर्टिकुलर बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी क्या होती है, और ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी, काफ़ी बस इसी पे स्पेसिफिक रहना, बेरोजगारी से आगे जाने की जरूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट, प्रमुख फसलें, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, ढुलाई एवं विपणन, किसानों की सहायता के लिए ई टेक्निक,
इसके लिए कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया समकालीन भारत, ये ज्योग्राफी की बुक है पार्ट टू एनसीईआरटी 10th क्लास की, ज्योग्राफी की बुक है ये। बाकी और भी ज्योग्राफी की जो 6th to 12th की है वो सारी आप पढ़ेंगे ही पेपर टू के लिए, तो इसमें जो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि फसलें शायद 7th क्लास में भी दिया हुआ है, तो उसके बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो अलग पेपर थ्री के लिए यहाँ पे नोट करते जाइएगा। दृष्टि आईएएस के नोट्स भी अच्छे हैं इसके लिए, काफ़ी डिटेल में है, तो आपको जो जो काम का हो उसमें से आप वो छांट लेना। और जो किसानों के लिए ई टेक्नोलॉजी शुरू हुई है, जैसे कि ई मंडी हुआ है, ई नाम हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी करंट आर्टिकल से मिल जाएगा, और करंट से अपडेट रहना तो उससे आपको आंसर राइटिंग में बहुत मदद मिलेगी। 5th पॉइंट, अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कृषि सहायकी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उद्देश्य क्रियान्वयन, परिसीमाएं, सुदृढ़ीकरण, खाद्य सुरक्षा, बफर स्टॉक, कृषि संबंधित तकनीकी अभियान, टेक्नोलॉजी मिशन, ये जो पूरा टॉपिक है आपको ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे सेकंड पेपर के लिए 6th to 12th की, तो उसमें काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। और जो चीज़ उसमें कवर नहीं होगी, ये इंडियन इकोनॉमिक रमेश सिंह की बुक में से आपको मिल जाएगा। इस टॉपिक पे मैं भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी, जैसे बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा क्या होती है। इस टॉपिक में नहीं, पूरे ही पेपर में दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो बेसिक नॉलेज से रिलेटेड, जैसे कि अप्रत्यक्ष कृषि सहायकी क्या होती है, प्रत्यक्ष कृषि सहायकी क्या होती है, दोनों में क्या अंतर है, विशेषताएँ क्या हैं, एक तो ये होते हैं क्वेश्चन बेसिक टाइप में जो आपका बेसिक नॉलेज चेक करती हैं। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है जो करंट में चल रहा हो, कि सरकार ने अप्रत्यक्ष कृषि सहायकी के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई हैं, भारत में क्या क्या योजनाएं इसके रिलेटेड चल सकती हैं, या फिर आप बताइए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अप्रत्यक्ष कृषि सहायकी, अप्रत्यक्ष कृषि सहायकी का यूज़ करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जिसने आपको इम्प्लीमेंटेशन करना होगा कि आप क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, करंट में क्या चल रहा है, आंसर वही देना होता है, बस आपको अपना नाम देके वो आंसर देना होता है कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत में खाद्य प्रसंस्करण व संबंधित उपयोग, कार्यक्षेत्र, महत्व, स्थान निर्धारण, ऊर्ध्व अधो प्रभाव, आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। खाद्य प्रसंस्करण से रिलेटेड टॉपिक आपको ज्योग्राफी की बुक में मिल जाएगा 6th to 12th क्लास में। बाकी करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना है, जैसे मेगा फूड पार्क चली है, और यूपी से रिलेटेड आप ज़रूर पढ़ना है इसमें, कि यूपी में कहाँ कहाँ फूड पार्क लगाए गए हैं जो सरकार ने लगाए हैं, और इंटरनेट का यूज़ करके आप इनका कार्यक्षेत्र, महत्व, स्थान ये सब भी देख सकते हो। भारत में स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार, ये आपको भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह की बुक में मिल जाएगा। भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा इनके औद्योगिक समृद्धि पर प्रभाव, ये टॉपिक भी आपको डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक 11th क्लास की एनसीईआरटी में मिलेगा। और जो आगे का टॉपिक है, जैसे औद्योगिक नीति में परिवर्तन, ये सब इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह की बुक में भी मिल जाएगा। दोनों में से मिला जुला के आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, जो चीज़ आपको जिसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही है उसमें से आप नोट्स बनाइएगा। और ये जो भारत में वैश्वीकरण उदारीकरण है, ये सेकंड पेपर का भी टॉपिक है, तो आधे नोट्स तो उसी में से आपके कवर हो जाएंगे इसमें। आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन तथा रेलवे आदि, ये डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक में आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है, तो आप उसमें से ये टॉपिक कर सकते हैं। ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन के लिए ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के 6th to 12th में हर एक क्लास में थोड़ा थोड़ा टॉपिक दिया हुआ है, तो जो जहाँ से आपको समझ में आ रहा है वहाँ से अपने नोट्स बनाइएगा। और जो करंट का डाटा है, जो करंट में चल रही हैं चीज़ें, वो इंडिया ईयरबुक 2018 में से आप कवर कर सकते हैं, कि कितना ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सी पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा या समुद्री ऊर्जा का कितना परसेंटेज इंडिया कहाँ यूज़ कर रहा है, ये सब चीज़ें आप ईयरबुक में से कर सकते हैं। 10th पॉइंट, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास एवं अनुप्रयोग, दैनिक जीवन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति के लिए आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट देख सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिक नॉलेज के लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक देख सकते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मौजूद है, तो ये चीज़
स्पेक्ट्रम की बुक बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छी है, आप लोगों को बहुत अच्छे से उसमें समझ में आएगा। बाकी जो करंट में चल रहा है वो तो आप लोगों को पता ही है कि दैनिक जीवन में क्या क्या चीज़ें सुरक्षा के नए नए मुद्दे आए हैं, तो वो चीज़ें आपको पढ़ने पड़ेंगे, करंट से आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे। कोई एक मैगजीन देख लीजिएगा, प्रतियोगिता दर्पण देख लीजिए या दृष्टि के देख लीजिए, क्रॉनिकल देख सकते हैं, जो भी आप लोगों को समझ में आए कोई भी एक मैगजीन, एक ही मैगजीन पढ़िएगा, चार मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक में ही आपके सब कवर हो जाएंगे। बाकी कोई अगर अच्छी मैगजीन, योजना भी पढ़ सकते हो आप लोग, कोई भी टॉपिक जो किसी मैगजीन में आया हुआ हो, तो मैं अगर आपके इस मेन से पेपर से रिलेटेड होगा तो मैगजीन का नाम और उसका जो मंथ है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ताकि आप पर्टिकुलर उस मैगजीन को देख सके। 11th पॉइंट, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का देशजीकरण, नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, द्वि अनुप्रयोगियों एवं क्रांतिक अनुप्रयोग प्रौद्योगिकियां। ये भी आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है उसमें आप देख सकते हैं। दृष्टि आईएएस को नोट्स भी देख सकते हैं, लेकिन नोट्स काफ़ी लेंदी होंगे इस पेपर के लिए, तो जो टॉपिक आपके काम का हो, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो उसमें से कर लीजिएगा। और करंट अफेयर्स जो आजकल चल रहे हैं वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो भारतीयों की उपलब्धियाँ, ये मैं आपको अलग से करवा दूंगी कि कौन से इंडियन साइंटिस्ट ने क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की भारत में, और प्रौद्योगिकी का देशजीकरण, ये भी मैं टॉपिक आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी और वीडियो लेक्चर के थ्रू समझा दूंगी। 12th टॉपिक है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा स्रोतों, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी में जागरूकता, बौद्धिक संपदा अधिकारों और डिजिटली अधिकारों से संबंधित मुद्दे। जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित टॉपिक करने के लिए आप एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक 11th क्लास की, जो उसमें चैप्टर नंबर 11 टू 12th देख सकते हो, उसमें से आप अपने नोट्स बना लीजिए, तो ये आप उसमें से काम कर सकते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्पेक्ट्रम की बुक में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा स्रोत, नैनो प्रौद्योगिकी, ये सब उसमें बहुत अच्छे से बेसिक नॉलेज दी गई है, वो उसमें से कर सकते हैं आप लोग। और दृष्टि के नोट्स, अगर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनसीईआरटी में से ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप दृष्टि के नोट्स देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, अच्छे नोट्स हैं इसके। और करंट अफेयर्स देख सकते हैं आप लोग, जो आजकल नई प्रौद्योगिकी चल रही, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में क्या क्या हुआ है, जैसे मंगलयान का जो मिशन हुआ था और आजकल बहुत सारे मिशन हो रहे हैं, उसके ऊपर करंट अफेयर्स के नोट्स और आर्टिकल देख सकते हैं। नैनो प्रौद्योगिकी में क्या क्या नई टेक्निक यूज़ की हैं, कौन कौन सी नैनो दवाई, नैनो मेडिसिन भी चले हैं आजकल, तो उसके बारे में भी करंट में से जानकारी ले सकते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार की वेबसाइट पे आप जाके इसके बारे में देख सकते हैं, WIPO की वेबसाइट है, उसमें आप इस चीज़ को सर्च कर सकते हो। 13th पॉइंट, पर्यावरणीय सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरण संघात आकलन। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी जीव विज्ञान की बुक है जो 11th क्लास की, इसमें चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16, इस चैप्टर्स में आपको इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी। और एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की जब 6th to 12th करोगे, उसमें भी आपको पर्यावरण सुरक्षा से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। जैव विविधता का तो आप 11th और 12th चैप्टर भी देख सकते हो, क्लास 11th का बायोलॉजी का। अब पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण तो ये कॉमन टॉपिक है, इस पर तो आप खुद से भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। करंट में जो भी कुछ आजकल चल रहा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा फॉग की वजह से फिर से ऑड इवन लागू होने का इस बार चांस हो रहा है, तो ये सब चीज़ें आप खुद नॉलेज रखिए और इसको आंसर राइटिंग में डालने की खुद से प्रैक्टिस कीजिए। 14th पॉइंट, आपदा गैर पारंपरिक सुरक्षा एवं सुरक्षा की चुनौती के रूप में आपदा उपशमन एवं प्रबंधन, ये आपको डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसमें से आपको जो वेबसाइट है एक पर्टिकुलर, उसमें से आपको मिल जाएगा कि क्या उपशमन है, क्या प्रबंधन है, कैसे संचालन होता है, कैसे मैनेजमेंट होता है, ये सब उसमें से आपको मिल जाएगा बेसिक नॉलेज। नहीं तो आप CBSE की 9th क्लास की बुक भी आती है आपदा प्रबंधन के ऊपर, उसमें से आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पूरी बुक ही इसी टॉपिक से रिलेटेड है। करंट में कौन कौन से आपदा आई हैं भारत में या भारत से बाहर, वैसे तो मेन भारत में ही होगा, भारत के आसपास की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में आप देख सकते हैं, जैसे तितली साइक्लोन आया है तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कहाँ कहाँ आया है और कौन कौन से एरिया को प्रभावित किया है, ये सब चीज़ें आप इसमें अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं।
15 पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां, आणविक प्रसार के मुद्दे, अतिवाद के कारण तथा प्रसार, संचार तंत्र, मीडिया की भूमिका तथा सामाजिक तंत्रियता, साइबर सुरक्षा के आधार, मनी लॉन्ड्रिंग तथा मानव तस्करी, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है सारा टॉपिक। और इंटरनेट और विकिपीडिया का यूज़ करके आप इसमें से बेसिक के नोट्स बना ले सकते हैं। और आर्टिकल देखिए प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल किसी भी मैगजीन में, उसमें से आपको काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा साइबर सुरक्षा होती क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है, मानव तस्करी होती क्या है। पहले तो इन सब चीज़ों की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, उसके बाद जो आजकल चल रहा है वो आप कर सकते हैं इसमें। मीडिया की भूमिका, ये सब चीज़ें आपको शॉर्ट नोट्स खुद से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, किसी एक बुक में ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। बाकी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगी, आप ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आप कमेंट करके बताइए कि आपको नोट्स कौन से नहीं मिल रहे हैं। 16 भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, प्रतिविद्रोह तथा संगठित अपराध, ये सब भी आपको करंट से ही मिलेगा। भारत की आंतरिक चुनौतियों के लिए आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट भी देख सकते हैं और आर्टिकल्स पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, जो हिंदू में आर्टिकल आते हैं उसमें भी काफ़ी चीज़ें आपको दी हुई होती हैं। और इंटरनेट का यूज़ करके आप नोट्स बना लीजिए अपने बेसिक के ऊपर, आतंकवाद क्या होता है, भ्रष्टाचार क्या होता है, प्रतिविद्रोह क्या होता है, संगठित अपराध क्या होता है, इनकी विशेषताएं क्या है, इन सब पे नोट्स बना सकते हैं। 17 सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार तथा शासनाधिकार, भारत का उच्च रक्षा संगठन, तो इसके लिए आप वेबसाइट देख सकते हैं वेरियस मिनिस्ट्रीज की, लेकिन ये यूपी यहाँ पर्टिकुलर लिखा हुआ है, यूपी की नहीं देखनी है, ये भारत सरकार की देखनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की देखिएगा आप। तो सुरक्षा बलों की क्या भूमिका होती है, उनका प्रकार, शासनाधिकार, दृष्टि आईएएस के नोट्स में भी ये टॉपिक आपको अच्छे से मिल जाएगा। प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल या और भी जो मैगजीन आप लोग फॉलो करते हैं उसमें से आर्टिकल पढ़िए और भारत का जो भी उच्च रक्षा संगठन है उसके बारे में बेसिक नॉलेज इकट्ठा करिए और नोट्स प्रिपेयर कीजिए। 18 पॉइंट उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य का विशिष्ट ज्ञान, ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यूपी से रिलेटेड जो भी आपको टॉपिक करना है, आपके पास जो भी यूपी की बुक हो उसमें से आप करिए, कोई और बुक एक्स्ट्रा खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, आप उसमें से डाटा लर्न कर लीजिए और उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिएगा। इसमें आप यूपी की वेरियस मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट्स है उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको इसमें दिया हुआ राज्य के बजट, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, कृषि उद्योग के लिए इनकी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने लेटेस्ट डेवलपमेंट किए हैं अपने क्षेत्र में। करंट अफेयर और आर्टिकल तो आपको पता ही है कि बहुत यूज़फुल रहेंगे इस टॉपिक के लिए। कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन के मुद्दे, इन सब के लिए ज्योग्राफी की 6 to 12 एनसीईआरटी की बुक, जब भी आप ज्योग्राफी सेकंड पेपर के लिए तैयार करें तो ये जो टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं, आई थिंक कृषि और बागवानी ये टॉपिक जो पेपर 2 में है वही पेपर 3 में भी है, बस उसमें थोड़ा सा आप लोगों को पेपर 1 में, सॉरी 2 में नहीं 1 में, तो जो थोड़ा सा आपको वो आपको ज्योग्राफी के पर्पस से करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक के पर्पस से करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा इसमें जो डिफरेंस है ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जिस पेपर में जो टॉपिक आ रहा है वो उसी से रिलेटेड होगा। अगर आपको कृषि दिया है तो कृषि एक ज्योग्राफी से रिलेटेड भी है और कृषि इकोनॉमिक से रिलेटेड भी है, तो इसको इस बेसिक डिफरेंस को ध्यान रखने की कोशिश करना। करंट अफेयर्स में क्या, करंट में क्या चल रहा है, बागवानी कितने परसेंट बागवानी इंडिया में होती है, कृषि क्षेत्र कितने परसेंट है, कितने परसेंट ऊसर भूमि है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए करंट के अकॉर्डिंग। उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में कानून एवं व्यवस्था एवं नागरिक सुरक्षा, इसके लिए एज इट इज़ यूपी की जो बुक आपके पास है उसमें से करिए, मिनिस्ट्री की वेबसाइट से करिए, जो उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था के ऊपर कोई वेबसाइट है उसके ऊपर, और आर्टिकल्स पढ़िए, करंट अफेयर से अपडेट रहिए। तो ये जो पेपर 3 है यही ख़त्म होता है। मैं इसमें बेसिक चीज़ें बता दूँ कि इकोनॉमिक सर्वे पेपर 3 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे 18 को तो आपको पढ़ना ही है, अगर पेपर जून, जुलाई, अगस्त जैसा भी होता है, अभी तो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 19 का भी पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो आपको बहुत ही ज़रूरी है पेपर 3 के लिए इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना। उसमें से अपने खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि किसी और के नोट्स से आपको कोई काम नहीं आ सकते, आपके खुद के नोट्स ही आपके काम आएंगे। टाइम थोड़ा सा वेस्ट जरूर होता है, लेकिन बाद में आपके लिए कितना फ़ायदा होता है ये आप जब नोट्स बनाएंगे उसके बाद जान जाएंगे। दृष्टि आईएएस के नोट्स भी इस पेपर के लिए बहुत ही अच्छी है, थोड़े से लेंदी है, थोड़े से लैंग्वेज भी डिफ़िकल्ट लगती है मुझे,
लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को कहीं से टॉपिक नहीं मिल रहा है तो आप इसमें से कर सकते हैं, अगर आपके समझ में आ रहा है तो। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली की एक मैगजीन आती है इंग्लिश मीडियम में, उसको आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश वाले हिंदू का आर्टिकल देख सकते हैं और हिंदी वाले भी कोई भी एक न्यूज़पेपर देख लीजिए, कोई सारे न्यूज़पेपर अच्छे होते हैं। कोई भी एक अच्छा सा न्यूज़पेपर देख के उसके आर्टिकल्स जो एडिटोरियल पेज होता है वो पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो सरकार रिपोर्ट्स निकालती है, इंडेक्स निकालती है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको अवेयर रहना ज़रूरी है। ये तो रही पेपर थ्री की स्ट्रेटेजी, आज यहीं ख़त्म होती है। आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको मेंस निकालने से कोई नहीं रोक सकता। आप बस प्रैक्टिस कीजिए आंसर राइटिंग की, जो जो मैंने टॉपिक्स जहाँ से मिले वो बताइए, उसके नोट्स बनाइए और उसको बार 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 रिवाइज कीजिए। रिवाइज ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए। और ये मेरी स्ट्रेटजी है, मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है। आप लोगों को पसंद आती है तो अच्छी बात है, अगर मेरे से अच्छी स्ट्रेटजी किसी के पास है तो वो फॉलो कीजिए। मैं इस पे ये नहीं कहती कि आप यही स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, मेरे को लगता है कि ये बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी है मेरे लिए, तो मैं आपको आपके साथ ये शेयर करती रही हूँ। आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को इन टॉपिक्स की ज़रूरत हो, इन वीडियोस की ज़रूरत हो, उनको ये मिल सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।